हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, चंगे होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो गाइज, आज मैं कोई ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ, आज मैं करने आई हूँ आप लोगों से बातें। और साथ साथ में आज मैं आप लोग के साथ वो खुशी शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस खुशी के लिए मैं तरसती थी कि मुझे भी ये खुशी कभी मिलेगी। लेकिन आज वो दिन आ गया है कि मुझे वो खुशी मिल गई है। आप लोगों को पता है YouTube पे मुझे हो गए पूरे 2 साल काम करते हुए। हालांकि अभी ये जो चैनल है इस पे अभी नहीं हुए हैं 2 साल, अभी 1 साल कुछ महीने ही हुए हैं। लेकिन इसके पहले भी मेरा एक चैनल था, इंडियन यूट्यूबर नियति, जो कि मतलब कि डिसेबल हो गया और उस पे मैं काम करना बंद कर दी। कुछ मेरी गलतियाँ थी, इसी वजह से वो डिसेबल हो गया था। अभी वो ठीक हो गया है, चाहूँ तो मैं उस पर काम कर सकती हूँ। और उसी चैनल से मैंने YouTube की सारी चीज़ें सीखी हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, टाइटल कैसे डालते हैं, टैग कैसे डालते हैं, ये सारी चीज़ें गाइज मैंने मतलब कि YouTube पे उसी चैनल से सीखा है। आप लोगों को पता है उस चैनल पे मेरे बहुत ज़्यादा व्यू नहीं आते थे, 100-150 व्यू आते थे, वो भी ज़्यादातर मेरे YouTube के ही फ्रेंड थे, उन्हीं के वो व्यू हुआ करते थे। तो मेरा सपना था कि मेरे चैनल पे भी किसी भी वीडियो में 1000 व्यू हो जाए, लेकिन नहीं आते थे व्यू, तो मैं बहुत परेशान रहती थी। और मेरी एक फ्रेंड है, पूजा नाम है उसका, उसका भी चैनल है सनशाइन पूजा, तो उसके भी वीडियो बहुत अच्छे होते हैं और वो मेकअप की वीडियो तो A1 बनाती है गाइस, जरूर जाके आप लोग चेक करिएगा। तो उससे मैं हमेशा कहती थी क्या हम लोगों के चैनल पे कभी भी 1000 व्यू नहीं होंगे। तो उस टाइम पे ना एक फेस कवर की वीडियो वायरल हो रही थी, तो मेरी जो फ्रेंड है उसने बोला कि तू नियति ना फेस कवर वाली वीडियो बना ले, हो सकता है कि तेरे वीडियो पे 1000 व्यू हो जाएंगे। और सच में गाइज मैंने वो फेस कवर वाली वीडियो बनाई और 1000 व्यू आए। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मेरे भी चैनल पे 1000 व्यू हैं, उसकी खुशी मैं आप लोगों से बयां भी नहीं कर सकती। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उस चैनल पे मेरी एक और वीडियो वायरल हुई किचन की, मैंने किचन टूट डाला और वो मिलियन में भी जाने वाली थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि चैनल में ही प्रॉब्लम आ गई तो मुझे वो चैनल छोड़ना पड़ा। तो आप सब समझ सकते हो कि उस टाइम पे मुझे कितना दुख हुआ होगा कि किसी के चैनल पे मिलियन में व्यू जाने वाला हो, 7-8 हज़ार मतलब कि सब्सक्राइबर होने वाले हों और उसको वो चैनल छोड़ना पड़े। मुझे छोड़ना पड़ा था लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और दूसरा चैनल क्रिएट किया, और उसमें मेरा साथ भी पूजा ने बहुत दिया, मुझे बहुत हिम्मत दी उसने और बोला कि नियति ये तेरी ही मेहनत तो थी, फिर कर लेगी। और सच में मैंने फिर से चैनल स्टार्ट किया, मैंने हिम्मत नहीं हारी गाइस। मैंने सोच लिया था कि मुझे ना फिर से अपना चैनल खड़ा करना है, मुझे फिर से उतने ही व्यू देखने हैं, और वो पॉसिबल हो गया है। और आज मेरे इस चैनल पे भी किचन की वीडियो वायरल हुई और वो मिलियन क्रॉस कर चुकी है। इसकी खुशी मैं आप लोगों से बयां भी नहीं कर सकती, और ये सब सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी किचन की वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया कि आज वो मिलियन में गई है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो लड़की अपने व्यू मतलब कि 1000 देखना चाहती थी और उसके चैनल पे मिलियन में व्यू है तो मैटर रखता है ना, तो मैं भी इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकती, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं बहुत जब ज़्यादा खुश हो जाती हूँ तो मेरी खुशी को मेरी ही नज़र लग जाती है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जब मेरा वो चैनल मतलब चैनल नहीं, मेरा जो वो वीडियो वायरल होता तो मैं बहुत खुश थी, और दूसरे या तीसरे दिन मेरा चैनल डिसेबल हो गया था, तो मुझे खुश होने में बहुत डर लगता है। उसी से नहीं, मैं जब भी बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ ना तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में, तो मुझे डर लगता है खुश होने से भी। लेकिन वो 100 व्यू से मिलियन व्यू मतलब पार करना बहुत बड़ी बात है गाइस मेरे लिए, और ये सब सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। सिर्फ आप लोगों की वजह से मुझे वो खुशी फिर से नसीब हुई, क्योंकि मैं बार बार मेरे अंदर एक हुक्सा बैठा हुआ था कि मेरे उस चैनल पे मिलियन में व्यू जाने वाले थे, अब वो शायद ही कभी हो पाएगा, लेकिन हो गया इस चैनल पे भी, और इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। लेकिन मैं केक वगैरह नहीं कट कर रही हूँ, सेलिब्रेशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को थैंक यू ज़रूर बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट दिया है ना उसकी वजह से ही ये हुआ है। हालांकि अभी मेरा चैनल नहीं चला है, इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन मुझे अभी भी भरोसा है
कि जिस तरह से मेरे एक वीडियो में मिलियन में है, आगे चल के मेरी कई वीडियो जाएंगी ऐसे ही और मेरा चैनल भी जाएगा, वो सब सिर्फ आप लोगों की वजह से होगा और YouTube की वजह से होगा। YouTube को भी मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि YouTube ने मेरी वीडियो वायरल की और मुझे वो खुशी दी जिसकी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा चाहती। मुझे मतलब मेरा सपना बन गया था कि मेरे इस चैनल पे भी मेरी वीडियो वायरल हो और वो हो गया है। तो थैंक यू टू ऑल कि आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया और मेरी वीडियो को मिलियन में पहुँचाया। लेकिन हाँ, मैंने कोई बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन वगैरह नहीं किया है, वो भी करूँगी जब समय आएगा, जब मेरा चैनल चल जाएगा और सारी वीडियो पे मिलियन में तो नहीं लेकिन क्या बोलूँ, जितने भी व्यू अच्छे व्यू आने लगेंगे तो फिर मैं सेलिब्रेट करूँगी और डरते डरते ही करूँगी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है गाइस खुश होने में। मेरी खुशी मेरे लिए ही कब दुख का कारण बन जाती है मुझे खुद भी पता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है, मैं खुश हूँ, तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई ताकि आप सभी को मैं थैंक यू बोल सकूं। तो थैंक यू सभी को हाथ जोड़कर, क्योंकि आप लोगों ने मुझे वो खुशी दी जो मेरे लिए सपना सी बन के रह गई थी। मिलियन क्रॉस करना बहुत बड़ी बात होती एक ही वीडियो पे सही, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है, तो सच में थैंक यू। और अभी इस वीडियो को करती हूँ एंड और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक ब्लॉग के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय और अगेन थैंक यू, बाय बाय।